आपको दर्पण कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज मेरे वीडियो के साथ अंत तक बना रहिएगा क्योंकि आपको दिमाग की बत्ती को जला देगा, इसलिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक बना रहिए और समझने का कोशिश कीजिए। और एक से एक बढ़ के धमाका देने जा रहा हूँ, है ना? तो आप लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। यहाँ देखिए, एक समलंब चतुर्भुज का विकर्ण 8 मीटर और 6 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करने का चाह है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भुजा, है ना, भुजा ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? भुजा ज्ञात। तो भुजा ज्ञात करने के लिए अब जो विकर्ण है उसको आधा कर देते हैं और आधा करके अंडर रूट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ 8 है तो 4 कर दिए, 4 के स्क्वायर कर देते हैं, और 6 है तो 3 का 3 × 6 इसको अंडर रूट ले लिए तो हो गया कितना, या 16 और प्लस के 9 तो हो गया 25, और 25 के वर्गमूल होता है 5, और परिमिति बराबर होता है 4 × भुजा, 4 × भुजा अर्थात देखिए 4 × 5, 5 × 20 मीटर, है ना? तो हम समझते हैं बच्चों कि आप बढ़िया समझ गए होंगे, और परीक्षा में आने पर आप बढ़िया से इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है ना, नंबर 2 है। अब देखिए, कोई आपसे पूछे कि है ना, 1, 2, 3, 5, 10, 20 है ना कि 100 तक है ना का योग में शून्य की मात्रा है ना, शून्य की संख्या कितना होगा, ये संख्या क्या होगा? तो ऐसे सवाल रहे तो आप उसको कैसे बनाइएगा, है ना? तो देखिए, यहाँ कितना है, अंतिम 100 है, 100 को हम भागा देंगे 5 से, है ना? 5 से जब तक भागा देते रहेंगे कि जब तक उसमें पड़ नहीं जाए, है ना, पूरी तरह से कटता जब तक हम देते रहते हैं। जैसे 100 भागे कितना हो गया, 5, है ना, तो हो गया 20, ठीक है। अब 20 में हम फिर 5 से देंगे तो आवेगा 4, और 4 में 5 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब छोड़ देते हैं, इसका कितना हो गया, तो 20 × 4 = 24, यानी कि 0 = कितना हो गया, 24 आंसर। तो हम समझते हैं ये भी आप बढ़िया से समझ गए होंगे, और परीक्षा में आने पर आप बढ़िया से इसको बना लीजिएगा, है ना? तो आज तक यहीं तक, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।